अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने फिर से चॉकलेट केक बनाया है। उसके लिए मैंने चॉकलेट बेस को पहले से ही रेडी करके रख लिया था और उस पर डच क्रीम की क्रीम लगाकर पूरी क्रम कोटिंग करके फाइनल फिनिशिंग देके पूरा मैंने रेडी कर लिया है। और ये मेरा जो केक है, ये जो मेरी क्लाइंट है, उनको मैंने सेम पहले भी यही सेम डेकोरेशन का केक दिया था और उन्होंने कहा फिर से मुझे सेम ही केक चाहिए। इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ ताम झाम करना बिल्कुल भी नहीं पड़ा और इसीलिए मैंने इसकी फुल वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि मुझे सेम दो वीडियो बनाना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर उसके बाद मैंने इस पर फ्लावर बना लिया है राउंड में, और बीच में डालना है चोको चिप्स। और ये वही डच क्रीम से ही मुझे इसकी लीव बनानी थी। ग्रीन कलर उनको नहीं चाहिए था, क्योंकि पहले वाले केक में भी मैंने ग्रीन कलर नहीं यूज़ किया था। उनको ज़्यादा कलरफुल टाइप्स का केक नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने उनको सिंपल सा सोबर सा केक बना के दिया है। उसके बाद मैंने बीच में भी छोटे छोटे से लीव बनाकर ले लिए हैं उनको। ये मेरा केक उन्होंने जब फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था, मतलब उनकी फैमिली को बड़ा था कि मैं बहुत ही अच्छा केक बनाकर दूंगी उनको, बहुत ही अच्छा बना के दूंगी, इसलिए उन्होंने ट्रस्ट करके फिर मैंने कर लिया है इसको यहाँ तक के कंप्लीट। और फिर उस पर डाला मैंने बहुत सारा चोको चिप्स, जिससे वो एकदम फ्लावर के ऐसा जैसे फूल होता है ना बीच में, उसके वो बारीक बारीक सा बीच के क्या बोलते हैं उसको, वो रहता है वैसा, फिर वैसा लग रहा है एकदम फ्लावर जैसा। फिर मैंने उसके ऊपर चोको चिप्स डाल लिया है और ये हमारा केक हो गया ऑलमोस्ट रेडी। सबसे बड़ा काम तो ये था इस केक में कि मुझे इस पर बहुत ही बड़ा कुछ लिखना था, और इतनी बड़ी स्पेलिंग थी कि मैं लिखते लिखते स्पेलिंग के थक गई मैं। और वो ये था कि कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना था, इतनी बड़ी स्पेलिंग लिखनी थी। मैंने चॉकलेट से इतनी सारी स्पेलिंग बनाकर रख ली थी, फिर मैं इस पर लगाना था, इसलिए मैंने आगे चॉको चिप्स भी नहीं डाला है, ताकि मतलब प्लेन रहेगा ना, तो मतलब अल्फ़ाबेट्स लगाओ तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा वाला। फिर ये हो गया है अल्फ़ाबेट, अभी लिखते लिखते इतना पूरा एंड तक जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बड़ी स्पेलिंग है। और ये केक पर मैंने ये जो चॉकलेट घनाश भी डाला था, जिससे साइड में जो है वो बहुत ही अच्छा लुक दिख रहा था इसका, और उनको ऐसा ही चाहिए था थोड़े नीचे नीचे तक के घनाश। फिर उसके बाद मैंने ये देखिए CON लगा दिया, जी तो मेरा टूट गया था, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके उसको लगा दिया। फिर R लगाया, फिर A लगाया, फिर उसके बाद पूरा ऐसे स्लोली स्लोली करके पूरा जो अल्फ़ाबेट है इस पर ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया था कि उनको शाम में चाहिए था, फिर वो उन्होंने शाम में केक लेने भी आई थी और वो केक अपना लेकर भी गई, और उन्होंने केक कटिंग किया, मुझे उसकी वीडियो भी शेयर की थी, उन्होंने बहुत अच्छे से फ़ोटो भी निकाले थे। केक कटिंग की तो वीडियो नहीं मिल पाई मुझे, पर हाँ उन्होंने केक जब ओपन किया था तब फ़ोटो मुझे सेंड किए थे वो। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा था केक के, अच्छे तो उन्होंने फ़ोटो ली थी। और प्लीज़ आप लोग देख रहे होंगे मेरी ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए इतना बड़ा ये कॉन्ग्रेचुलेशन है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है पूरा, इतना मतलब पूरी स्पेस फुल हो गई है, पर अल्फ़ाबेट जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। फिर मैंने एंड तक की भी थोड़ा चोको चिप्स को भी सरका के भी लगा दिया था वहाँ पर, ताकि वह पूरा सही से, देखिए ओ को तो जगह ही नहीं बची, मुझे लगा हो जाएगा पर नहीं हुआ। फिर मैंने चोको चिप्स को थोड़ा सा हटा कर, क्योंकि उसके ऊपर से चॉकलेट का अल्फ़ाबेट रख देंगे तो वैसे भी कुछ दिखने वाला तो है नहीं, जो नीचे से थोड़ा सा ख़राब अगर होगा भी तो। और मैंने फिर देखिए ये हो गया है ऑलमोस्ट कम्प्लीट। फिर उसके बाद मैं इसका वेट भी बताऊँगी, यह हाफ़ के जी का केक है और इसका वेट कितना ज़्यादा हुआ था। फिर मैंने लिया है वाइट कलर का स्प्रिंकल वाइट, बहुत ही अच्छा होता है। उन्होंने मुझे बताया था कि हम लोग केक कट करके खा रहे थे, तो ये कैसा है जो स्प्रिंकल होते हैं वो ये लुक वाइज बहुत अच्छे होते हैं बस, और जो बड़े वाले होते हैं ना वो तो बहुत ही लुक वाइज अच्छे होते हैं पर खाने में बिल्कुल अच्छे, क्योंकि ये टूटता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देखिए हो गया रेडी। तो उन्होंने बताया था कि हम लोग जब खा रहे थे तो तोड़ रहे टूट रहा ही नहीं। फिर उन्होंने मुझे मैसेज करके भेजा कि वो पूछा कि ये खाने वाला ही था ना, तो मैंने कहा हाँ खाने वाला था पर टूटता नहीं है, इसलिए इसे फेंक देना ही बेटर होता है, ये बस डेकोरेशन के लिए ही अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा हाँ, हम लोगों ने बहुत ट्राई किया तोड़ने का लेकिन बहुत मुश्किल से टूट रहा था, तो फिर हम लोग ने भी इसको ऐसे केक से बाहर निकाल दिया। और मैंने इस पर फिर गोल्डन डस्ट स्प्रे कर दिया था, जिससे इसका लुक और भी अच्छा लग रहा था। फिर
उसके बाद मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली और फिर उन्होंने बताया था कि टेस्ट का उसका ये टेस्ट भी बहुत अच्छा था, पहले वाले केक के जैसा ही अच्छा था, आपने सेम टू सेम बना के दिए। और मैंने इसमें उनका रिव्यू भी मैंने ऐड किया है ये वीडियो के एंड में, और उन्होंने जो मुझे फ़ोटो सेंड की थी केक ओपन करने के बाद उसकी भी, ये देखिए ये उनकी वीडियो है, तो उन्होंने प्यारी सी वीडियो बना के मुझे सेंड की थी और ये कितना अच्छा लग रहा है अपना हमारा केक। और फिर ये देखिए का लुक रोज़ कितना अच्छा लग रहा है, ये साइड से भी उन्होंने वीडियो ली थी, चौको चिप्स थोड़ा सा सेट हो गया, मेल्ट हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। और ये गोल्डन डस्ट स्प्रे से जो स्प्रे किया था मैंने, उससे इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने बाद में फिर इसका वेट भी मैंने मेंशन किया है, इसका वेट की थोड़ा सा दिख रहा नहीं है, इसका वेट भी बहुत ज़्यादा था। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।